हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थाइस का फुल वर्कआउट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मैं वीडियो के जैसे कि हर एक वीडियो में आपको वेट गेनिंग के लिए डाइट बताता हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो के एंड में आपको फिर दोबारा बताया जाएगा कि वेट गेनिंग के लिए आप क्या चीज़ अपनी डाइट को कैरी कर सकते हैं और क्या चीज़ ले सकते हैं अपने वेट गेन करने के लिए, बॉडी को बल्क करने के लिए। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वर्कआउट करने से पहले 100 हमने जंपिंग जैक करना और 100 हमने हाई नी जंपिंग करना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग हमने करना है 4 से 5 मिनट। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, वार्म अप बहुत जरूरी है ताकि बॉडी में कोई भी इंजरी ना आए, तो उस वजह से वार्म अप करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आ जाता है हमारा लेग्स का वर्कआउट, तो हम लेग्स में क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम फ्री स्क्वाट्स लगाएंगे। हमने पहले लगाया लेग्स को, बिल्कुल पैर को बिल्कुल सीधा रखना है, तो इस तरीके से हमने 50 स्क्वाट्स करना है। उसके बाद हम करेंगे 50 सुमो स्क्वाट्स, तो इसमें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल डाउन, क्योंकि फ्री है, बिल्कुल विदाउट वेटेड है, तो इस तरीके से 50 हमने सुमो स्क्वाट्स किया। उसके बाद हमारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे हमारा डंबल करेंगे वेटेड, सुमो स्क्वाट्स लगाना, नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम 12 to 15 रहेगा, सेट लगाएंगे 4, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो इसके बाद हम लगाएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी फुल स्क्वाट्स लगानी, हमने फ्री रोड पे लगाएंगे, पर हम नंबर ऑफ रेपिटेशन रहेगा हमारा सेम 12 to 15 और सेट लगाने हमने 3, इसके हमने 4 नहीं करने, क्योंकि हमने जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, हमने हर एक फर्स्ट एक्सरसाइज के ही करने हमने 4 सेट फुल। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से रखना है अपना और बॉडी को कैसे बैलेंस रखना है, तो इस तरीके से हमने फुल लगाया। उसके बाद लगाते हैं हम अपनी नेक्स्ट, हमने क्या करना है, हाफ स्क्वाट्स हैवी लगाएंगे हाफ में हम, फुल में हमने थोड़ा नॉर्मल वेट रखा था और हाफ लगाते टाइम हम थोड़ा सा हैवी वेट रखेंगे अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं हाफ में हमने अपनी बॉडी को कितना लेके जाना है, इस तरीके से नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम रहेगा 12 to 15, सेट लगाएंगे 3। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, आती है हमारी लेग प्रेस, नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम रहेगा 12 to 15, सेट लगाने हमने 3। तो इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं हमारा जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर हमने किस तरीके से रखना है, बॉडी को अपनी शेप लेग प्रेस करते टाइम, और अपना हमारा जो नी है कितना डाउन लेके आना है हमने, नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम 12 to 15 और सेट लगाएंगे 3। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कौन सी करेंगे, हमारी लेग एक्सटेंशन, और आपने इस बेंच को पीछे अपने बैकबोन पे स्पॉट के लिए जोर रखना है ताकि अपना बैकबोन में कोई भी इंजरी ना आए और बॉडी स्पॉट के लिए, तो उस वजह से। और आपने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ रेपिटेशन हमारा सेम रहेगा, सेट हमारे 3 रहेंगे, पर आपने क्या करना है 2 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी लेग कर्ल में आप देख सकते हैं किस तरीके से नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम 12 to 15, सेट लगाएंगे 3। उसके बाद हैम्स के लिए हम एक एक्सरसाइज और करेंगे फ्री रॉड, तो हमने एक स्टेपर लेना और इस तरीके से हमने बिल्कुल बैलेंस करके बॉडी का सेम नंबर ऑफ रेपिटेशन 12 to 15, और जैसे ही नीचे की तरफ लेके जाएंगे रॉड को बिल्कुल होल्ड स्ट्रेच करना है अपने हैम्स मसल्स को, स्लो डाउन, सेम नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम रहेगा 12 to 15। तो जैसे कि वेट गेनिंग के लिए डाइट हम बताते हैं आपको, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपना ब्रेकफास्ट मील में बनाना शेक और अपना ब्रेकफास्ट दोनों में से एक मील ले पाते हैं, तो आपने क्या करना है, बनाना शेक को कैरी करके लेके जा सकते हो, तो आप वहाँ पे जाके अपना ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद, एक घंटे के बाद अपना बनाना शेक ले सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।